जनता लोग से किए हैं धोखा, इनको अब की बार हटाएंगे। जनता लोग से किए हैं धोखा, इनको अब की बार हटाएंगे। बंगला छाप पे बटन दबाएंगे, भैया चिराग को जिताएंगे। ठीक है, बंगला छाप पे बटन दबाएंगे, भैया चिराग को जिताएंगे। ठीक है, जनता लोग से धोखा किए हैं, इनको अब की बार हटाएंगे। बंगला छाप पे बटन दबाएंगे, भैया चिराग को जिताएंगे। ठीक है, सही तरह से गाना है जो मैं रिलीज करने जा रहा हूँ चुनाव प्रचार में, बस भैया चिराग का सपोर्ट हो जाए। बहुत सारा गाना है सर। कैसनी सरकार भइल ना परदेश में कोनो रफ्तार भइली, कैसनी रफ्तार भइल ना सरकार की भइल विकास। ठीक है, उसके बाद है सर, बंगला छाप पे बटन दबाएंगे, भैया चिराग को गाएंगे। सर थोड़ा सा ये हो रहा है आज बहुत भीड़ भाड़ देखकर, ठीक है सर, इसलिए पूरा हम गा नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, जैसे खेसारी लाल यादव के जो गाना था उस तरह से हम तैयार किए हैं। जी, जनता लोग से किए हैं धोखा, इनको अब की बार हटाएंगे। नीतीश कुमार को कह रहे हैं हम, जनता लोग से किए हैं धोखा, इनको अब की बार हटाएंगे। बंगला छाप पे बटन दबाएंगे, भैया चिराग को जिताएंगे। ठीक है, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद, रामनंदन पासवान। बिल्कुल डर नहीं लगता, डर रहा है, डरने दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ, कोरोना है ही नहीं। लगाते हैं, अच्छी बात है, उनको हर जनता के बीच में बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है। बिल्कुल कर रहे हैं, उन्हीं का तो फॉलो कर रहे थे आज हम लोग यहाँ। वैशाली जिला जहाँ से जीतते थे रामविलास जी, गिनीज बुक में नाम आता था। अच्छा, जोन विभाग में गए, चमका के रहे, गेहूं चावल खा रहा है, रहरी के दाल सब वोट देगा। चिराग को जो कैंडिडेट जाएगा उसको वोट देगा। अच्छा, गेहूं चावल अरहर के दाल, बैगन नहीं है। हमारा मांग था कि हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री से महोदय से हम मांग करते हैं कि हमारा स्वर्गीय नेता रामविलास जी के पासवान को आदमकद प्रतिमा लोकसभा और राज्यसभा में लगाई जाए, ये हमारे मांग है। ठीक है, बहुत अच्छी मांग है। नहीं, नहीं, नहीं। हमारे नेता रामविलास जी, एक सौ एक को हम हार्ट का ऑपरेशन कराया, 17 आदमी का नौकरी दिलवाया, बेग घूस का एक लाल पैसा कहे नहीं, हमको मिला 28 को रेल का पास, समझे। आज उनके ऐसा नेता है विश्व में नहीं, इंडिया के तो छोड़िए विश्व में नहीं है। ठीक उसी चिराग निकला है। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं हाजीपुर से ही आया हूँ, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है, मैं वहाँ से आया हूँ। हम लोग तो शुरू से अब 77 से ये लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान जो हमारे अभिभावक हैं उनके साथ हूँ। जी हाँ, 77 से। उस समय मैं 15-16 साल का था जब हाई स्कूल में पढ़ते थे। ये पार्टी ने बना है, लेकिन वो तो लड़ रहे हैं उस समय से ना, जिस समय से हम उनके साथ हैं। अच्छा, तो आप उनके साथ से? जी हाँ, और अभी पार्टी तो बाद में बना, हम लोग बाद में बनाए, पार्टी तो बाद में बनी है ना। तो आप भी कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं जी नहीं, मैं चुनाव कहीं से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ और उनका सिपाही रहूँगा। कोई एक ऐसा संस्मरण बता सकते हैं जिसकी आज आपको बहुत याद आई है? बहुत याद आ रही है स्मरण क्या, जब पटना में हम लोग आते थे जिस समय वो शुरू में जीत के आए थे 77 में, वो पुनीत बाबू का जो निवास था उसमें रहते थे, एक फोल्डिंग खाट होता था उसमें सोया करते थे हम लोग, नीचे लुंगी बिछा कर सोते थे, और उस समय का चीज़ याद आता है तो अभी लगता है कि शायद वो चीज़ हम लोग को मिलने वाला नहीं। तो और इससे ज़्यादा क्या कहे, विशेष कुछ कहने का भी समय है नहीं, और आगे चुनाव है, चुनाव में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और हमारे पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं हम लोग पूरी तरह से उनको फुल बहुमत से जिताने का कोशिश करेंगे। चिराग भैया ने मना कर दिया है मुख्यमंत्री बनने से? चिराग भैया मना कर दिया, ये उनकी मामला है ना, वो क्या सोच रहे हैं बात की थी? वो तो आपके पार्टी के नेता हैं। नहीं ठीक है, वो तो खुद अपना विचार कर सकते हैं ना, वो अपने खुद बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, हम लोग उनके सिपाही है, वो जो आदेश करेंगे हम लोग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारा मेजोरिटी आए, हम लोग अगर सरकार बनाने लायक मेजोरिटी में आएंगे तो हम चाहते हैं कि चिराग जी मुख्यमंत्री बने। अच्छा, मेजोरिटी मतलब
सारी सीटों पर नहीं, जितना सीट लड़ रहे हैं उसमें ही अगर हमारा संख्या बनता है तो कुछ लोगों के मिला के हम लोग बना सकते हैं। तो आपको कितना लगता है, कितना आप सीट जीत सकते हैं? हम लोग कम से कम 80 से 85 सीट का उम्मीद रखते हैं। जी हाँ, अरे सहयोग लेना होगा तो फिर बाद में जब चुनाव होगी, जब लोग जीत के आएंगे तो सोचा जाएगा। अभी क्या विचार लगता है? अभी क्या विचार है? नहीं, जदयू से तो हम लोग नहीं लेंगे। किससे लेंगे? अरे जब जो लोग आएंगे निर्दलीय होंगे, उसके आगे पीछे और भी लोग पार्टी हैं जो हमसे हमारे जब हमारे नेता के जो समर्थन करने वाला जो पार्टी होगा, जो उनको सहयोग करेगा, उनका साथ लेंगे।